मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आगामी चुनावों का उत्साह बढ़ रहा है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मृदुभाषी से बातचीत में कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। देखे छिंदवाड़ा से मृदुभाषी के लिए साहिल की यह खास रिपोर्ट। मृदुभाषी चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए और पार्टी ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और दूसरी बार मुझे अवसर दिया है कि मैं छिंदवाड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकूँ। पार्टी ने मुझे पहले दो बार युवा मोर्चा की मीटिंग बनाई, उसके बाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा मुझे अवसर दी, फिर भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाई, मतलब फिर से एक बार पार्टी ने सामने पार्टी के मैं जीवन भर हमारी कहूँगा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी थी। जैसे कि अगर सामने जैसे माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी नाम है, तो मतलब आपको टिकट दिया गया तो आप क्या फील कर रहे हो, क्या एहसास है आपको? कोई मतलब आने वाले कोई ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि छिंदवाड़े में इतिहास रचना है, छिंदवाड़े के जो लोगों को 40 साल से चला जा रहा है, हमारे युवाओं को रोजगार के नाम पर चला जा रहा है, हमारी बहनों को चला जा रहा है, हमारे छिंदवाड़े की 3 पीढ़ी बर्बाद करने का काम कमलनाथ जी के द्वारा किया गया है, तो मुझे अवसर मिला है जो उन पीढ़ियों का बर्बाद कमलनाथ जी द्वारा किया गया उसका हम लोग हिसाब ले सकते हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी जैसे कि आप विजय हुए हैं? प्राथमिकता युवाओं को रोजगार, बच्चों को अच्छी शिक्षा, हमारी केंद्र की और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं हर व्यक्ति को पहुंचे, हमारी प्राथमिकता छिंदवाड़ा दुनिया के नक्शे पे आए। प्रकृति की दृष्टि से हमें छिंदवाड़ा को बहुत कुछ मिला है, चाहे कोयला हो, चाहे प्राकृतिक रूप से फसलें हो, हमारे को यहाँ सीताफल उत्पादन होता है, संतरा होता है, कौन सिटी हमारी छिंदवाड़ा ही है, तो जो छिंदवाड़ा को प्रकृति ने पर्यावरण की दृष्टि से दामिया है, ये सारी चीजें पतालकोट है, ये सारी चीजें दुनिया के नक्शे में होती है, इसको लेकर के मेरा प्रयास है। जैसे घोषणा के नगरप में जैसे कमलनाथ जी ने भी बहुत सारी घोषणा की है, मतलब जिस तरीके से आपकी ओर से भी मतलब घोषणा हो रही है, तो मतलब इस संबंध में आप क्या चर्चा करना? आप थोड़ी सी जानकारी अपनी कर लें। कमलनाथ जी घोषणा कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी दे चुके हैं। लाडली बहनों को 1250 रुपया, लाडली बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, लाडली बहनों को 100 रुपये के बिजली बिल आने चालू हो गए, लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में माननीय हमारी सरकार ने तय करी कि एक भी बहन का ऐसी निर्णय दी जाएगी इसका खुद का आवास ना हो, सबको खुद का आवास बना के हमारी सरकार देगी। और कमलनाथ जी सब कहते हैं, कमलनाथ जी ने 2019 में भी कहा था, 2018 में कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपये कर्जा माफ़ करेंगे, युवा साथी को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ़ करेंगे, हमारे किसान साथियों को 800 रुपये भावा कर देंगे, लेकिन कमलनाथ जी ने एक भी घोषणा एक भी वायदा पूरा नहीं करा। बता दें मध्य प्रदेश में 17 नवम्बर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 3 दिसम्बर को सामने आएगा। छिंदवाड़ा से मृदुभाषी के लिए साहिल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।